अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का मतलब क्या है। देखिए, कैथोड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस। जहाँ भी हम नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं या नेगेटिव की बात करते हैं तो वहाँ जो लफ्ज है वो हम कैथोड का यूज करते हैं। कौन सा लफ्ज यूज करते हैं? कैथोड का। रे जो है, रे क्या होता है? आपके पास ये बीम होता है, तो कैथोड रे में हम कुछ नेगेटिव चार्जेस की बीम को यूज करेंगे और बीम को यूज करके फिर हम देखेंगे कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और इसके कौन कौन से यूजेज हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है क्या। सो इट इज अ वर्सटाइल डिवाइस, इट इज अ वर्सटाइल डिवाइस यूज फॉर हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस, ये हमारे पास क्या है? हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। मतलब ये है, जितनी भी हाई स्पीड क्वांटिटीज हैं, जिस तरह से हमारे पास अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट है, हमारे पास हमारी हार्ट बीट होगी, पल्स रेट हो गया, जिसे जैसे कि ईसीजी की जाती है, और एक वो ग्राफ की लंबी सी पट्टी हमें मिल जाती है, ठीक है, जहाँ से डॉक्टर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसकी पल्स रेट के अंदर, इसकी हार्ट बीट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो वहाँ से देख के फिर हमें उस ग्राफ को देख के किसी रिजल्ट पे पहुँचते हैं। तो हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस इज कॉल्ड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या कहेंगे इसको? हाई स्पीड ग्राफ, मतलब जितनी भी हाई स्पीड क्वांटिटीज हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं, उनका ग्राफ बनाने के लिए हम इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को यूज करेंगे। अब बच्चों इसके प्रिंसिपल की तरफ आते हैं कि व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? मूविंग चार्जेस को डिफ्लेक्ट करती है। इससे पहले आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स, लेकिन बच्चों छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसी भी मूविंग चार्ज के पाथ को डिफ्लेक्ट भी करती है, एक्सेलरेट भी करवाती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। ओके जी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट मूविंग चार्जेस, ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों हमारे पास इसके तीन मेन जो है वो पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो हमारे पास है ग्रिड। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है इसका? ग्रिड। ग्रिड कंसिस्ट करता है, ग्रिड में क्या चीज होती है? ग्रिड कंसिस्ट करता है फिलामेंट पर और कैथोड पर। कैथोड, ग्रिड किस पर कंसिस्ट करता है? फिलामेंट पर और कैथोड पर। इसके बाद बच्चों दूसरा हमारा जो पार्ट है इसका वो है हमारे पास एनोड्स। थ्री एनोड्स हम यूज करते हैं। कितने यूज करेंगे? थ्री एनोड्स यूज करेंगे, जैसा कि एक आपके पास A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा। तो ये जो आपके पास थ्री एनोड्स और फिलामेंट, कैथोड, ये सारे के सारे हमारे पास है, इसके पहला पार्ट आ गया। इसके बाद बच्चों डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होगा हमारे पास। तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में क्या होगा? हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होंगी। हमारे पास होंगी एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और दूसरा हमारे पास होंगी वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। मतलब डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास? हमारे पास दो प्लेट्स होंगी, एक्स प्लेट्स होंगी और वाई प्लेट्स होंगी। इनका काम ये होगा कि मूविंग चार्जेस को डिफ्लेक्ट करना है। कहां पर?
एक्स प्लेट्स पर या फिर वाई प्लेट्स। एक्स प्लेट या वाई प्लेट्स इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करती हैं स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। मतलब ये जो एक्स प्लेट होगी ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करेगी। जो वाई प्लेट्स होंगी आपके पास ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन के वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करेंगी। इसके बाद बच्चों लास्ट हमारे पास होता है स्क्रीन, या इसको हम कहते हैं फ्लोरिसेंस स्क्रीन। फ्लोरिसेंस स्क्रीन, फ्लोरिसेंस स्क्रीन हमारे पास आमतौर पर जिंक सल्फाइड की होती है। जिंक सल्फाइड की फ्लोरिसेंस स्क्रीन में ये होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस स्क्रीन के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे तो स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करने से ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी। ओके जी, ये बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हम डिटेल के साथ देखते हैं कि हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है। सबसे पहले हम ग्रिड की बात करते हैं, तो ग्रिड में क्या होता है बच्चों, ग्रिड में एक फिलामेंट होता है, ये आपके पास फिलामेंट एफ आ गया, और इस पर मौजूद होता है हमारे पास एक नेगेटिव मटेरियल। ये आपके पास नेगेटिव मटेरियल क्या मतलब के कैथोड, नेगेटिव मटेरियल कौन सा होगा मतलब के कैथोड, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्जेस मेजॉरिटी नेगेटिव चार्जेस होंगे, और नेगेटिव चार्जेस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये है कि अगर इस फिलामेंट को हीट किया जाएगा, फिलामेंट को गर्म किया जाएगा, तो फिलामेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम्स को क्या करेगा, अमिट करेगा, क्योंकि कैथोड, कैथोड जब गर्म होगा तो थर्मियोनिक एमिशन की वजह से, हीट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से अमिट होंगे, कैथोड में से अमिट होंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास यहां पर मौजूद होते हैं एनोड्स, ये हमारे पास आगे एनोड्स, ये हमारे पास आगे एनोड्स, ये थ्री एनोड्स हैं हमारे पास, एक आपके पास है ए वन एनोड, एक आपके पास ए टू, और एक आपके पास ए थ्री। ये कौन से एनोड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड। ये क्या काम करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाएंगी, फोकस करवाएंगी। इसके बाद बच्चों हमारे पास होंगी टू प्लेट्स, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो एक हमारे पास आ गई ये प्लेट आ गई हमारे पास, और दूसरी हमारे पास ये प्लेट आ गई। ये दो आपके पास जो वर्टिकल प्लेट्स हैं एक्स एक्स डैश, ये वर्टिकल प्लेट्स इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टल स्क्रीन के हॉरिजॉन्टल पर क्या करेंगी, डिफ्लेक्ट करवाएंगी। इसी तरह से ये हमारे पास आ गई, इसके बाद ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आ गई, एक ये प्लेट आ गई आपके पास, एक ये प्लेट आ गई। ये कौन सी प्लेट्स हैं आपके पास, ये है वाई वाई डैश। ये जो वाई वाई डैश है, जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर फोकस होंगे, इन वाई वाई डैश प्लेट्स पर, इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पर। तो वाई वाई डैश ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होंगी, ये इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन के वर्टिकल लाइन मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस डिफ्लेक्ट करेंगे। ये बच्चों आ गई हमारे पास लास्ट में स्क्रीन, ये हमारे पास लास्ट में आ गई फ्लोरिसेंस स्क्रीन, ये आपके पास स्क्रीन आ गई, ये आपके पास दोनों आपके पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आ गई, ये है आपके पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं बच्चों, वर्किंग की बात करते हैं। ये बच्चों आपके पास होता है ग्रिड, ये हमारे पास क्या है ग्रिड, ये ग्रिड क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल, हाई नेगेटिव पोटेंशियल। ये जो आपके पास एनोड्स हैं ए वन ए टू ए थ्री, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल होती हैं। बच्चों जब ये नेगेटिव पोटेंशियल इस फिलामेंट को मिलता है, ये फिलामेंट क्या करता है, हीट होता है। जब ये फिलामेंट हीट होगा, फिलामेंट के हीट होने से हीट द कैथोड, ये कैथोड को भी हीट करेगा। कैथोड में क्या चीज मौजूद है, कैथोड में मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स और थर्मियोनिक एमिशन,
थर्मल एनर्जी मिलेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को और थर्मियोनिक थर्मियोनिक एमिशन टेक प्लेस होगी और वो इलेक्ट्रॉन्स शूट आउट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे। ओके जी, तो जब फिलामेंट हीट होगा यहां से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अमिट होंगे और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड्स पर पहुंचेंगे तो A1 और A2 ये क्या करेंगी, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट भी करवाएंगी और साथ में इनको एक फाइन बीम की शेप में क्या करेंगी, इनको चेंज कर देंगी। तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फाइन बीम की शेप इख्तियार कर जाएंगे और लास्ट ये जो A3 होगा ये होगा आपके पास फोकसिंग एनोड, ये क्या काम करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करेगा या फिर एक्स प्लेट्स पर या वाई प्लेट्स पर। अब बच्चों जब हमारे पास ये एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज मौजूद होगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम्स एक्स प्लेट्स पर जाएंगी तो ये एक्स प्लेट्स एक्स एक्स डैश जो कि वर्टिकल प्लेट्स हैं, तो एक्स एक्स डैश प्लेट्स जो हैं ये क्या काम करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करें। और इसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ये वाई वाई डैश के क्रॉस वोल्टेज मौजूद है तो यही इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कहां जाएगी, स्क्रीन के वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्ट होगी और इस तरह से आपको एक ब्राइट वर्टिकल लाइन जो है वो नजर आएगी। एक आपको आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, जब एक्स प्लेट्स पर वोल्टेज मौजूद होगा तो हॉरिजॉन्टल ब्राइट लाइन नजर आएगी, जब वाई प्लेट्स पर वोल्टेज मौजूद होगा तो हमारे पास ये स्क्रीन पर वर्टिकल ब्राइट लाइन हमें ऑब्जर्व होगी। तो बच्चों हमने देखा कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में सबसे मेन पार्ट ये आपके पास ग्रिड है, ये आपके पास कैथोड और फिलामेंट वाला पार्ट है। यहां से जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से अमिट होंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन के साथ जाकर टकराएंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन की ब्राइटनेस कहां से कंट्रोल होती है, ग्रिड से कंट्रोल होती है। ये जो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रिड है, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीन के साथ कुलियन, ज्यादा से ज्यादा ब्राइटनेस। इसका मतलब ये हुआ वी कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन बाय कंट्रोलिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रिड, कि अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल ग्रिड का कंट्रोल करेंगे तो स्क्रीन पर हम ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये बच्चों आपके पास इसकी कुछ थोड़ी सी वर्किंग है। अब बच्चों हमने जब इलेक्ट्रॉन्स को कहां फोकस कर दिया, हमने एक्स एक्स डैश प्लेट्स पर फोकस कर दिया, तो डियर स्टूडेंट्स यहां आपको एक और चीज भी बताती हैं कि ये जो एक्स प्लेट्स हैं एक्स एक्स डैश प्लेट्स हैविंग सार टूथ वोल्टेज, ये जो आपके पास एक्स एक्स प्लेट है यहां पर कौन सा वोल्टेज होगा, सार टूथ वोल्टेज होगा। ये जो आपके पास सार टूथ वोल्टेज ये वोल्टेज कहां से हासिल होगा बच्चों, सार टूथ वोल्टेज सीआरओ के अंदर ही एक छोटा सा जनरेटर होता है जिसे कहा जाता है टाइम बेस जनरेटर। क्या नाम दिया जाता है, टाइम बेस जनरेटर। इस टाइम बेस जनरेटर को स्वीप का भी नाम दिया जाता है, टाइम बेस जनरेटर को स्वीप का भी नाम दिया जाता है, कि हमारे पास एक्स प्लेट्स पर जो वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है वो कहां से की जाती है, वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर ही एक डिवाइस मौजूद होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर ही जो कि टाइम बेस जनरेटर होता है जिसे स्वीप भी कहा जाता है। ये टाइम बेस जनरेटर कौन सी वोल्टेज प्रोवाइड करता है, सार्टूथ वोल्टेज प्रोवाइड करता है। सार्टूथ वोल्टेज किस किस्म का होता है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं कि हमारे पास जो सार्टूथ वोल्टेज है ये लीनियरली इंक्रीज होता है। सार्टूथ वोल्टेज क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है आफ्टर सम टाइम टी, किसी टाइम टी के बाद सडनली ड्रॉप टू जीरो, लीनियरली इंक्रीज होता है सडनली ड्रॉप टू जीरो, लीनियरली इंक्रीज होता है सडनली ड्रॉप टू जीरो। तो हमारे पास जो इसकी जो वेव फॉर्म बनती है वो कुछ इस किस्म की बनती है, जिस तरह से
हमारे पास साटुत होती है। जिस तरह से किसी आरी के दंदे होते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपके पास इसका वेवफॉर्म बनती है, इसी वजह से हम कहते हैं इसको साटुत बोलते हैं। अगर बच्चों वाई प्लेट्स पर ये हमारे पास स्क्रीन मौजूद है, अगर हमारे पास क्या होगा ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ओके जी, स्क्रीन पर ये वाई एक्सिस आ गया, वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश, ये इसका दरमियान वाला पॉइंट ओरिजिन स्क्रीन का। बच्चों जब अभी हमने वाई वाई डैश पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को कनेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम बेस जनरेटर को ऑन किया है। किसको ऑन किया है? हमने टाइम बेस जनरेटर को ऑन किया है। तो फिर क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एक्स प्लेट्स उन इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करेगी, स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करेगी। इससे क्या होगा कि स्क्रीन पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर एक ब्राइट लाइन नजर आएगी, एक्स एक्सिस पर एक ब्राइट लाइन नजर आए, ओके जी। अब बच्चों जिस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की हमने मेजरमेंट करनी होती है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं y y डैश के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं? y y डैश के साथ। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कनेक्टेड, इसे कहां कनेक्ट किया जाता है? कनेक्टेड टू y प्लेट्स। अब इसको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को y प्लेट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है जिसको हमने y प्लेट के साथ जोड़ा है, उसकी हमने एक वेव फॉर्म जो है, एक सर्कल जो है, हमने उसका रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इससे हमें किस तरह से पता चले? तो बच्चों ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यहां से टाइम बेस जनरेटर को हमने किया हुआ है ऑफ, टाइम बेस जनरेटर को क्या किया हुआ है? ऑफ। लेकिन हमने वाई प्लेट्स पर वोल्टेज प्रोवाइड किए हुए हैं, वाई प्लेट्स पर हमने क्या किया है? वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं। अब क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं है, एक्स के क्रॉस पोटेंशियल्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, जस्ट वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगी इसकी जितनी पीक वैल्यू होगी, जैसे ये आपके पास इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक टू पीक वैल्यू है, तो जितनी इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक टू पीक वैल्यू होगी स्क्रीन पर उतनी ही एक वर्टिकल ब्राइट लाइन हमें ऑब्जर्व होगी। क्या होगा? जितनी इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू होगी उतनी ही हमें स्क्रीन पर एक वर्टिकल ब्राइट लाइन जो है वो ऑब्जर्व होगी। हमने देखा कि अगर हमारे पास टाइम बेस जनरेटर होगा तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होगी, अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वाई एक्सिस पर मौजूद है, टाइम बेस जनरेटर ऑफ है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ब्राइट लाइन ऑब्जर्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास टाइम बेस जनरेटर भी ऑन है, अगर हमारे पास ये टाइम बेस जनरेटर भी ऑन है, टाइम बेस जनरेटर को भी हमने ऑन किया हुआ है, और यहां भी वाई प्लेट्स पर भी कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है वो कनेक्ट की हुई है, तो उस सूरत में ये होगा कि स्क्रीन पर हमें एक वेव फॉर्म नजर आएगी, और वो वेव फॉर्म कुछ इस किस्म की होगी कि उसकी वर्टिकल हाइट भी होगी, उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन भी होगी, जब टाइम बेस जनरेटर भी ऑन होगा और वाई एक्सिस पर भी क्या होगा हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कनेक्ट करते हैं, तो इन दोनों सूरतों में फिर जाके स्क्रीन पर ग्राफ बनेगा, और उसी ग्राफ की मदद से क्या होगा हम इसी ग्राफ की मदद से हम क्या करेंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड जितनी भी अदर क्वांटिटीज होंगी वो मेजर कर सकेंगे। अब अच्छा स्क्रीन पर क्योंकि देखें टाइम बेस जनरेटर साटुत वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, वाई वाई डैश पर हमने क्या किया है, वाई वाई डैश पर कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कनेक्ट की हुई है, तो स्क्रीन पर जो ग्राफ होगा, स्क्रीन पर जो वेव फॉर्म होगी वो हमें स्टेशनरी या साइंक्रोनाइज कब होगी, कब हर वेव का टाइम पीरियड इक्वल होगा, कब तमाम वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल होगा, उसके लिए बच्चों होना ये चाहिए है टाइम पीरियड ऑफ ईच साइकल मस्ट बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ
टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वो जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसका टाइम पीरियड है, उसकी हर वेव का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बच्चों वो सेम होगा तो उस सूरत में हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो साइंक्रोनाइज होगी, या फिर सम मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वोल्टेज। यहाँ पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, या फिर यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर क्वांटिटी जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो जाए, पीरियड ऑफ आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम वोल्टेज की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ईच साइकिल मस्ट बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और अगर नहीं है, अगर हमारे पास क्या है, हर साइकिल का टाइम पीरियड सेम नहीं है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के हर साइकिल का टाइम पीरियड सेम नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें करना पड़ता है साइंक्रोनाइजेशन कंट्रोल पैनल। तो साइंक्रोनाइजेशन कंट्रोल पैनल क्या करता है, हर साइकिल अल्टरनेटिंग वोल्टेज के हर साइकिल के टाइम पीरियड को इक्वल कर देता है, हर साइकिल के टाइम पीरियड को इक्वल कर देता है। जब बच्चों हमारे पास टाइम पीरियड वेव की, हर वेव का टाइम पीरियड हमारे पास सेम होगा, वो अगर अल्टरनेटिंग, वो मूविंग वेव्स जो है वो स्क्रीन पर हमें स्टेशनरी नजर आएंगी, जब वो मूविंग वेव हमें प्रोपागेटिंग वेव या ट्रैवलिंग वेव होंगी लेकिन स्क्रीन पर हमें स्टेशनरी नजर आएंगी, तो फिर उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, कैथोड रे।